जो बुढ़ा मंगानी तथा इसके आसपास की पंचायत में पदाधिकारी तमाम मौजूद नागरिक बंधुओं आपके अदम्य साहस भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है। चुनावी मौसम में जहां एक तरफ नेता, विधायक और मंत्री अपने अपनी टिकट के लिए दिल्ली से जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नेता ऐसा भी है जिसके चुनाव लड़ने से मना करने के बाद समर्थकों की भीड़ रोने लगी। हाल ऐसा हो गया कि अपनी पगड़ी तक हेमराम चौधरी के पैरों में रख दी गई। जो भी मंगल भाव इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बुढ़ा मंगाने की आव आमार के लिए, किसान वोट के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ा की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हमारा अंगी के हाथ में मजबूत करने के लिए, बुढ़ा मंगाने की जनता के लिए सभी लोग अधिक रूप से लड़ते हैं। मौजूद नागरिक बंधुओं आपके अदम्य साहस और धैर्य भगवान परीक्षा जरूर ले रहा है, लेकिन ये बात आप अपनी शक्ति मार पड़ेगी। सचिन पायलट कैंप के नेता माने जाने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमा राम चौधरी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। चौधरी चाहते हैं कि इस बार किसी और को मौका मिले, लेकिन उनके समर्थक चाहते हैं कि हेमा राम चौधरी ही चुनाव लड़े। इस दौरान बात नहीं मानने पर एक समर्थक चौधरी की गोद में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगा, तो एक समर्थक ने तो अपनी पगड़ी उतार कर उनके सामने रख कर चुनाव लड़ने की मिन्नतें कर दी। हालांकि चौधरी ने समर्थकों को पगड़ी रखने से रोक दिया और चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने जिद नहीं छोड़ी तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बुढ़ा मंगाने की आव आमार के लिए, किसान वोट के लिए, गरीब दलित शोषित और पिछड़ा की आवाज देने के लिए, आप हमारा साथ देने के लिए, हमारा अंगी के हाथ में मजबूत करने के लिए, बुढ़ा मंगानी की जनता के लिए सभी लोग अधिक रूप से लड़ते हैं। कौन है हेमा राम चौधरी? हेमा राम चौधरी सचिन पायलट गुट से आते हैं। वो अपनी राजनीतिक पारी में अभी तक 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 6 बार उन्होंने बड़े अंतराल पर जीत हासिल की है। पहले गहलोत सरकार में राज्य मंत्री, वसुंधरा सरकार में प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। हेमराम चौधरी पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं लड़ने का मन बना चुके थे। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला था, जिसके बाद 2013 में राहुल गांधी और 2018 में सचिन पायलट के कहने पर हेमा राम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए मान गए। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बार हेमा चौधरी को मनाने में जुटे हुए हैं। गुड्डा मलानी विधानसभा सीट का इतिहास। हेमा राम गुड्डा मलानी विधानसभा सीट से विधायक है। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली गुड्डा मलानी विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहां से ज्यादातर जाट प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं। इस बार संभवतः यही कयास लगाया जा रहा है कि अगर अंतिम समय तक हेमा राम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मानते हैं, तो पार्टी उनकी सीट से उनकी बेटी सुनीता चौधरी को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पार्टी आलाकमान आखिरी फैसला क्या लेता है।